हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस गुड इवनिंग टू एवरीवन हाउ आर यू कैसे हो आप सब हाय अनु गुड इवनिंग प्लीज़ लेट मी नो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑडिबल विजिबल आप लोगों को फाइन हो रहा है सब कुछ ओके है सो so गाइज आज की क्लास में जो हम बैंकिंग सिस्टम कर रहे हैं उसी को ही आगे मूव ऑन करेंगे सरफासी एक्ट क्या होता है एन क्या होती है स्टेट एसेट क्या होती हैं और उन उनको सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं वो सारे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लीज लेट मी नो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑडिबल विजिबल आप लोगों को क्लियर है क्या सो so एक बार सब आ जाए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं स्टडी पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेटीरियल अवेलेबल है सुबह नाइन ए एम नाइन ए एम को हम हिंदू का एम सी क्यू कर रहे हैं सोशियोलॉजी यहाँ पर चल रही है और इकोनॉमी श्रीराम आई एस की इकोनॉमी यहाँ पर हो रही है पॉलिटी ज्योग्राफी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिए आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हाई विक्रम अल क्लियर है चलिए ठीक है Do not forget to like the class. Do like the class and share with your friends and subscribe the channel. Please press the bell icon also, so that you will get notified. Hi ashish हाई अंकित अन अकेडमी प्लस पे अमन शर्मा सर डेयरी करंट अफेयर शो लेते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें वो कवर करवाते हैं और जब आप प्लस एक्सपीरियंस लेंगे तब आपको एक कोड रेफरल कोड वहाँ पर डालना होगा तो वो कोड होगा स्टडी आई ताकि आप टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकें ओके ओनली सिक्स मंथ्स आर गो टू टू कंप्लीट योर बैच टू कंप्लीट योर सिलेबस फॉर योर प्रीलिम्स ट्वेंटी वन के लिए फोर्टीन ऑफ डिसम्बर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप इसमें अपने आप को एनरोल करवाइएगा बाइलिंगल होगा तो आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के टॉप एजुकेटर इसे कराएंगे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और स्टडी मटीरियल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा ओके थैंक यू विक्रम यही टीम का नंबर है कोई भी आपकी क्वेरी आप रिजोल्व करा लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक के नेशनलाइजेशन की पहले आप मुझे ये बताइए कि नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी गुड इवनिंग राम कुमार सो एवरी वन कम्स हेयर एंड डू लाइक द ग्लास ये बताइए कि हमें बैंक के नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि एक्चुअली में नीड क्या थी 1969 से पहले बहुत सारे बैंक सभी जो बैंक थे बी को छोड़ के वो सब प्राइवेट प्लेयर चला रहे थे प्राइवेट चला रहे थे ठीक है अब प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैड लोन्स की ज्यादा खतरा है कहीं ना कहीं स्टेट कही एसेट का खतरा है ये सब क्या है उनको भी हम बात करेंगे एनपीए वगैरह का खतरा है ठीक है सो so, इन सब चीजों का खतरा हो रहा था फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो रहा था ठीक है दूसरा जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ज्यादा नहीं आ रहे थे तो एटलीस्ट अपनी इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल हो रही थी वो अच्छे से चल नहीं रही थी इन सब ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी कि हम बैंक को नेशनलाइज कर देंगे नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आ, ये सारे बैंक जो अभी प्राइवेट के हिस्से में आते हैं उसको आप सरकार के हिस्से में डाल दोगे यानी कि अगर कोई यहाँ पे फ्रॉड होता भी है तो सरकार उसे देखेगी डिपॉजिट अगर होते हैं तो सरकार उसे डिपॉजिट्स को कवर करवाएगी आई I मीन mean, डिपॉजिट्स लेगी और कुछ भी लॉस होते हैं तो भी सरकार उसे कवर करेगी प्राइवेट के हाथ में ना हो राइट गुड इवनिंग निकिता एंड नीलेश इसलिए 1969 की सर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और 80 में सिक्स और जो अदर बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया अगर अगरवाइज आप लोग एस एस के द्वारा कोई भी एग्जाम दे रहे हो तब नेशनलाइज बैंक के नाम पूछ सकते हैं अदरवाइज यूपीएससी के लिए बैंक के नाम याद रखना दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वाई डिट गट नेशनलाइज जो फ्लो ऑफ क्रेडिट था ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट टू मैनी प्रायोरिटी सेक्टर विद इन द इकनॉमी वेरी बिग प्रॉब्लम मनी नहीं आ रहा था क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा था डिपॉजिट्स नहीं, तो नहीं, नहीं हो रहे थे अगर डिपॉजिट हो रहे थे तो विद्रॉल नहीं हो रहे थे लोन वगैरह ज्यादा नहीं हो रहे थे अगर लोन किसी को दे रहे हैं तो रिकवर नहीं हो रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी दूसरा एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज थी उनको तो लोन दिया ही नहीं जा रहा था पहले क्या होता था आई मीन नाइन्टीज के टाइम पे वो लोग ये सोचते थे बैंक्स में कि सिर्फ आप अर्बन जो पीपल होंगे आप उन्हें लोन दीजिए बजाय कि के, के। गांव में इतना ज्यादा करेज ना ही तो लेने का था पहले आपको पता होगा कि जो घर आ, सरपंच होते थे या वही जो जमींदार वगैरह होते थे किसान सिर्फ उन्हीं से जाके लोन लेकर आते थे है ना वो बैंक से लोन नहीं लेते थे इसीलिए बैंक का ज्यादा जो दिशा है वो रूरल की तरफ थी ही नहीं वो अर्बन की तरफ थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। फोकस रहने लग गए इन सब से क्या होने लग गया कि हमें नेशनलाइजेशन करने की अब जरूरत महसूस होने लगी कि भाई हाँ अब बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है मेन उद्देश्य बिहार के लिए कह रहे हो क्या कुमार आपका नाम बताइए और बीपीएससी बिहार आ, वो कह रहे हो ना आप हा पीसीएस वाले जो होते हैं, भी पूछ सकते हैं बैंक्स का कब नेशनलाइजेशन हुआ या पर्टिकुलर बैंक बैंक है उस बैंक का कब नेशनलाइजेशन हुआ तो ये पूछ सकते हैं ठीक है मेन उद्देश्य क्या था नेशनलाइजेशन का कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं आप उसको देखिए कि एक्चुअली में किस सेक्टर में ज्यादा नुकसान हो रहा है किसमें ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं उस चीज को आप देखिए रिमूव करिए डोमेंस ऑफ द फ्यू इन द बैंकिंग सेक्टर आप उन्हें रिमूव करिए सफिशियंट जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल कराइए आपको पता है कि इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री है ना कितनी ज्यादा जो हिस्सा है अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है इंडस्ट्री जो छोटी है इंडस्ट्रीज है पे डिपेंड कर रहे हैं सो so, इसके लिए भी आपको सफिशियंट क्रेडिट अवेलेबल कराना है जो छोटे उद्योग होते हैं और एक्सपोर्ट के लिए भी आपको एक क्रेडिट जो अवेलेबल कराना है तो ये इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था बैंकिंग सेक्टर को आप अच्छे से मैनेज करिए नई नई इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आइए जिससे कि इन्वेस्टमेंट आपको अपनी कंट्री में नजर आएगी तो ये क्वेश्चन यहां पर थे फिर एक बार बताइए नेशनलाइजेशन का फैसला हो गया नेशनलाइज हो भी गए अब उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं हुआ क्या ठीक है अब उससे रिजल्ट क्या निकलते हैं ओके या शिवम सी एच एस एल एस एस सी के द्वारा ही करवाया जाता है वो सीजीएल सी एच एस एल सब में आ जाता है ये देखो एक बार जैसे आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो एक बार आपको ग्रोथ दिखती है ना अभी लगता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा सेल हो रही है काफी अर्निंग हो रही है तो आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा है सिमिलर वे में इसमें भी हुआ जब आपने नेशनलाइज कर लिए तो बैंक्स में डिपॉजिट्स आने लग गए लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने लग गए क्योंकि अब उनको विश्वास होने लग गया कि भाई ये जो बैंक है वो सरकार का बैंक है है ना प्राइवेट किसी का नहीं है वो सरकार का बैंक है अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो कहीं भागेगा नहीं है ना सो so, इसलिए बैंक्स के जो डिपोजिट थे वो ज्यादा होने लग गई फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ने लग गई फिजिकल डेफिसिट बट धीरे धीरे क्या हो गया राइजिंग फिजिकल डेफिसिट ड्यूरिंग दैट टाइम हैड मेड बैंक्स अ कैप्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अभी फाइनेंसिंग आ, उनको क्या करनी थी फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए फाइनेंसिंग भी उनको करनी थी गुड इवनिंग शिवान्या और सेविंग्स होने लग गई बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट देखने लग गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और जो एग्रीकल्चर था अब उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होने लग गई है यानी कि ये दोनों जो इंडस्ट्रीज है वो उभरने लग गई है है ना उभरने लग गई है क्योंकि अगर आप उन्हें लोन देंगे अब अगर आप उन्हें पैसा देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो और ज्यादा दुकान को अपनी शॉप को बढ़ाएंगे इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंप्लायमेंट बढ़ेगा अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ द बैंक इन टू द रूरल इंडिया सेम वही बात हमने अभी करी मोनोपोली खत्म होगी वेरी गुड शिवान्य इन द लॉन्ग रन जब एक एक लंबे टाइम तक ये चलता रहा तो एक इसका रिजल्ट जो नेगेटिव रिजल्ट है वो ये देखने को मिला कि सरकार आप किसे कह रहे हो किसे आप सरकार कह रहे हो पॉलिटिक्स को आप कह रहे हो सरकार इज इक्वल टू पॉलिटिक्स अगर हम कह देते हैं तो गलत बिल्कुल नहीं होगा वर्किंग कंडीशन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन तो ज़्यादा प्राइवेट ही करते हैं बढ़िया है ना पर ट्रस्ट की बात हम कह सकते हैं देखो गवर्नमेंट इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस एंड दैट इक्वल्स टू करप्शन इंटरफेयर अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा ना करप्शन या फिर इंटरफेयर कह सकते हो आप बिजनेस बैंकिंग सिस्टम में इंटरफेयर करना ये बात हम बोल सकते हैं सिमिलरली नेशनलाइजेशन होने के बाद भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहने लग गया तो क्या हुआ जैसे अभी फ्रॉड के केस होते हैं एनपीए के जो केस होते हैं वो बहुत बढ़ने लग गए कैसे मान लो अगर ए बंदा है कोई ठीक है वो किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को जानता है राइट right? पॉलिटिशियन को जानता है या उसका भाई है पॉलिटिशियन सपोज मान लीजिए एक बार के लिए इसको लोन लेना है इसके पास कोई कोलेटरल नहीं है सपोज इसको दस लाख का लोन लेना है और जो इसके पास कोलेटरल है वो सिर्फ दो लाख की है ठीक है उसकी वैल्यू सिर्फ दो लाख है वो क्या करेगा लोन तो उसे मिलेगा क्योंकि उसका भाई पॉलिटिशियन है गवर्नमेंट के अंदर आता है कैसे मिलेगा ये अपनी पहचान से उसको दस लाख का लोन दिलवा देगा और फिर देगा नहीं तो क्या दस लाख का एनपीए नहीं बन गया दस लाख की एनपीए बनी के नहीं बनी या हम ये बोले कि आठ लाख की एनपीए बन गई है क्योंकि दो लाख तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लेंगे इसको सेल करके कर लेंगे बट आठ लाख की तो एनपीए बन गई ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि डाउनफॉल हो गए जो कि डूब गई है इज दैट क्लियर बताइए एक बार चीज समझ में आई कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला नेशनलाइजेशन का कि पॉलिटिकल इंटरफेयर ज्यादा होने लग गया जिसकी वजह से करप्शन बढ़ गया एनपीएस बढ़ गए और आपके ये जो रिटर्न ऑफ एसेट है इनकी ग्रोथ होने लग गई वो सब पॉइंट्स क्या हाँ अभी हम आगे करते हैं तो ये सब आपने पढ़ लिया है गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल इन पार्शियली मीटिंग इट्स गोल इन डेवलपमेंट एजेंडा थ्रू द बैंकिंग सिस्टम इसीलिए हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं कि पार्शली की कुछ ही परसेंट फिफ्टी परसेंट ही वो इस गोल में सक्सेस हो पाई थी फिफ्टी परसेंट नहीं हो पाई थी नेगेटिव फॉल भी साथ के साथ दिखाई दे रहा था नेगेटिव इम्प्लीकेशन और क्या है दो से क्रेडिट बबल नजर आने लग गया एनपीए के अंदर ज्यादा इसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा दिखने लगे क्यों दिखने लगी क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट आने लग गया था इंक्रीज कर दी थी स्ट्रक्चर अब सरकार ने क्या करा उनको लगा कि भाई ग्रोथ होगी जैसे आपने अगर एक बिजनेस स्टार्ट करा है आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपने दो महीने देखा आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है सेल अच्छी हो रही है तब आप क्या करोगे आप अपने रेट को फिक्स कर दोगे पहले आप बार्गेनिंग कर रहे थे मतलब बार्गेनिंग में भी आप दे रहे थे रेट को लेकिन अब आपकी दुकान पे रेट फिक्स है लेना है तो लो वरना जाओ ये वाली बात है सो so, उस सिमिलरली सरकार ने भी क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिए बैंकिंग सेक्टर में जिससे लोगों के पास पैसा कम हो गया लेस मनी हो गया कह सकते हैं ना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पैसा तो लोगों के पास कम आ जाएगा और अगर कम आएगा तो ऑब्वियसली की बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आने लगेगी कम होने लगेगी इन्वेस्टमेंट से आपकी इकोनॉमी में फिर ना फिर कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल नजर आ जाएगा इज दैट क्लियर तो ये एक थोड़ा सा इसका डाउनफॉल नजर इसलिए भी आया नेगेटिव इंप्लीकेशन इसकी ये भी थी दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपटीशन खत्म हो गया अब आप कॉम्पीट किसके साथ करोगे आपकी मार्केट में आपकी शॉप के अलावा कोई है ही नहीं आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो सो so, कॉम्पिटिशन कम हो गया अपने आप को और ग्रोथ पे ले जाने के चांसेस कम हो गई नेशनलाइज होने की वजह से ब्यूरोक्रेटिक जो एटीट्यूड था वो ज्यादा बढ़ने लग गया जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट हो गए काम अच्छे से करने नहीं लगे बोल दो द गवर्नमेंट कंट्रोल हैज रिड्यूस इन लिबरलाइजेशन उसके बाद क्या हुआ अब आपने देखा कि एलपीजी आया 1991 में उसके बाद गवर्नमेंट का कम कंट्रोल uh, कम जरूर हुआ लेकिन उसके साथ साथ बैंक्स का बर्डन बढ़ गया कैसे बैड लोन्स होने लग गए कैपिटल खत्म होने लग गई एनपीए बढ़ने लग गए अब आप इसको कैसे याद रखोगे लाइक जस्ट ए मिनट मान लो ये आपकी कंट्री थी ठीक है और लिबरलाइज होने के बाद अब ये बाउंड्री नहीं बची है ये आपकी कंट्री की बाउंड्री है बट 1919 के बाद ये कोई बाउंड्री बची नहीं है यहां से सपोज ये वाला एरिया ओपन हो गया मैं इसको ओपन कर देती हूं अरे जैसे हम इसको ऐसे मानते हैं और इसको अगर हम ओपन करते तो इस छोड़िए एरिया ओपन हो गया है तो अब क्या हो गया कि लोगों के पास रास्ता हो गया है बाहर जाने का यानी कि लोग अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया जो बैड लोन से या जो एनपीए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी वो बढ़ने लग गई क्योंकि क्या होने लग गया एलपीजी से लोग लेकर पैसा रफू चक्कर हो जाते थे उनका कुछ ऐसा पता नहीं होता था यानी कि दस लाख की लोन लिया है सिर्फ 5 लाख की सिक्योरिटी दिखा के और दस लाख का लोन देते थे और उसको रीपे नहीं करते थे जिसकी वजह से एन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आने लग गई तो और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ तो ये थोड़ा सा एक नुकसान की बात भी है फिर हम कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म्स आने लग गए हैं बैंकिंग सिस्टम हेल्प करता है आपको कैपिटल एक्यूमुलेशन में यानी कि कैपिटल को गैदर करने में इकट्ठा करने में ग्रोथ में सेविंग्स आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो है ना बैंक्स में आप अपनी सेविंग्स को रख सकते हो खर्चा नहीं होगा तो ग्रोथ बाय एनकरेजिंग सेविंग्स मोबिलाइजिंग द कैपिटल आपकी कैपिटल जो है वो मोबिलाइज होती है मूवमेंट होती है उसकी और अलोकेटिंग द कैपिटल फॉर अल्टरनेटिव यूजेस यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो आप एक उसी अमाउंट को आप दस जगह यूज कर सकते हो तो आपको कैपिटल भी अवेलेबल जो है बैंकिंग करवाता है अब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म क्या क्या आए आप लोग बताएंगे कुछ बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं बैंकिंग सिस्टम ब्रिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन द स्ट्रक्चर एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम और आल्सो विद द इंटरनेशनल मार्केट धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जब इसमें रिफॉर्म्स आए तो उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें हमारी पहचान बनने लग गई इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि एलपीजी की वजह से अब हम दूसरे जो फॉरेन बैंक है उनसे भी कंपीट करने लग गए फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हमारे यहां पर आने लग गई तो हमारे पास ऑप्शंस हो गया ना इंटरनेशनल मार्केट का हो गया तो कंपटीशन भी के लिए हमारे पास जगह हो गई हम अब ग्रोथ भी कर सकते हैं ग्रो करने की जगह हो गई इज दैट क्लियर गाइस बताइए बताया कीजिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं दूसरा जो रिजिडिटी होती थी यानी कि जो बाउंडेशन बन गई थी बाउंड्रीज बन गई थी अब वो खत्म हो गई है इन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू इंश्योर अलोकेशन ऑफिशियंसी और अचीवमेंट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव तो उससे जो बाउंड्री बन गई थी गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से वो भी अब थोड़ी बहुत खत्म नजर आती हुई आ रही है इसी के लिए कमेटी बनाएगी नरसिमन कमेटी अब ये क्या है भाई नरसिमन कमेटी क्या है टू रीबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कमर्शियल बैंक अपने कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक में किस किस को इंक्लूड करते हैं बताइए किन किन बैंक में इंक्लूड करेंगे कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी एक हाई लेवल कमेटी और उस कमेटी का नाम क्या था द कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एम नरसिंहन गाइस आपको सिर्फ चीजें नहीं करनी है मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप लिखने के तरीके भी समझा कीजिए जैसे अगर आप मेन्स लिख रहे हो ठीक है नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली आप मेन्स लिखोगे तो जब आप मेन्स लिख रहे हो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस अबाउट द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन अवर कंट्री या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है देखो

और फॉर बैंक चीज कि आप कॉम्पिटिशन के लिए जगह छोड़िए यानी कि बैंक के अंदर अगर आप इतना कंट्रोल गवर्नमेंट बना लेगी और उन सारे बैंक्स को आप नेशनलाइज कर दोगे तो कंपटीशन के लिए जगह नहीं बचेगी तो नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि कंपटीशन के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाइए क्रेडिट नीड्स को इंक्रीज करिए इकोनॉमी की कैसे आप क्रेडिट नीड्स को इंक्रीज कर सकते हो आप इकोनॉमी की क्रेडिट नीड्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो लाइक like, ये चीज क्या कहना चाह रहा है अगर आप इकोनॉमी की क्रेडिट नीड को बढ़ा रहे हो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास उनके अंदर हो कि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन छोड़ दीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए सरकार अगर इन्वेस्टमेंट कर देगी तो लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा आ ही जाएगा है ना तो एक आएगा तो बैंक में वो जाएंगे बैंक में मनी का आउटफ्लो होगा इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए इंटरेस्ट रेट से कम होने से वो लोन ले पाएंगे तो लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करिए क्योंकि अगर लोग अगर लोग आपस में ही रिश्तेदारी में ही लोन लेने लगेंगे तो वो बैंक की तरफ नहीं आएंगे तो उन्हें कुछ इस तरीके का अट्रैक्शन करिए कि वो बैंक्स की तरफ आए और अगर यहाँ पर आएंगे तो अपनी सेविंग्स को वहां पे रखेंगे मनी का सप्लाई होगा तो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट हो गई इंटरेस्ट रेट हो गया प्रॉपर्टी के रेट को उठा दीजिए जैसे अभी आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट में कितना ज्यादा डाउनफॉल आ गया है तो अगर आप इस रेट को उठा देंगे बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ ले आएंगे सरकार की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप इसमें अपनी एक अच्छी ग्रोथ ले आओगे तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अपने पैसे लगाना शुरू करेंगे फिर से और रेट बढ़ेगा तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में उससे बैंकिंग जो सेक्टर है वो एक उसकी Uh, आप कह सकते हो तो डिपॉजिट ज़्यादा होने लग जाएंगे ये वाली चीज़ कवर ये चीज़ कवर, क्लियर है कि आप कैसे इकोनॉमी की क्रेडिट नीड्स को बढ़ा सकते हो फिर आता है कि टू एग्जामिन द कोस्ट एंड इक्वेसी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि इनकी जो कोस्ट आती है और उस सबको आप थोड़ा सा कम करिए ताकि आपके खर्चे कम हो आपके रेवेन्यूज़ ज्यादा हो जाए और सभी बैंक्स को रिकमेंड करा गया कि आप कुछ भी ऐसे स्टेप लीजिए ताकि आपकी ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड हो सके गोल्ड hmm, लोन को बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल ठीक है बैलेंस शीट जो होती है बैंक्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की उनको आप ट्रांसपेरेंट रखिए यानी लुका छिपी वाला गेम मत खेलिए ट्रांसपेरेंट रखिए कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस बैंक जो है वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए फुल डिस्कलोजर होना चाहिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक लोन एक लोन होता है गुड लोन एक होता है बैड लोन अब ये क्या चीज है भाई गुड लोन आप किसे कहोगे एक ऐसा डेट एक ऐसा लोन जिसके अंदर पोटेंशियल है आपकी वर्थ को इंक्रीज करने का यानी कि अगर आप उस मनी को आप उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं लगा रहे हो उसे तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको नजर आएगी ये जो चीज होती है कि वो पर्टिकुलर लोन गुड है या बैड है वो आपकी तरफ से होता है कंज्यूमर की तरफ से होता है ना कि बैंक की तरफ से होता है ठीक है सो ये चीज होती है गुड लोन में आप वही कहोगे जिसको आप रीपे कर पा रहे हो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी हो पा रही है वो आपका गुड लोन हो जाता है बैड लोन में आप कहेंगे कि बोरोइंग मनी टू परचेज डेप्रिसिएटिंग एसेट्स यानी कि गिरावट आ जाती है इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ जाती है वो आपका बैड लोन्स में के अंदर आप इंक्लूड करोगी फिर आती है एनपीए भाई एनपीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग बताइए एनपीए से आप क्या समझ रहे हो वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि हाय प्रशांत यानी कि क्या है आपने लोन लिया मान लो दस लाख का आपने लोन लिया ठीक है आपने लिया जनवरी में आपने लोन लिया राइट right? जनवरी में एट द एंड ऑफ द अगस्त मंथ आप दिखे ही नहीं आपसे ना ही तो कोई इंटरेस्ट की पेमेंट आई है ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट आया है कुछ भी नहीं आया है ठीक है यानी कि ये पता ही नहीं है कि इस इतने रुपीज का लोन दिया भी गया है तो बैंक्स के लिए वो एसेट और अगर वहां से आपसे पैसे रिकवर हो भी नहीं रहे हैं आपने जो कोलेट्रल रखी थी उससे भी पैसे रिकवर खास हुए भी नहीं है तो उस उतनी अमाउंट को आप बोलते हो एनपीए हो गई है कि ये एक एसेट है जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिले हैं कोई पैसा नहीं मिला है लौट तो वो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है ठीक है हाँ बैंक के लिए बैंक ने आपको लोन दिया है बैंक के लिए लोन जो है वो उनकी एसेट है ठीक है क्योंकि उस एसेट से उनको पैसे आने वाले हैं और अगर आप उस लोन पे पेमेंट ही ना करो आप इंटरेस्ट ना दो आप प्रिंसिपल अमाउंट ना दो और गायब हो जाओ तो उस टाइम पे बैंक्स के लिए कोशिश करेंगे डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि आपसे रिकवर हो जाए लेकिन अगर फिर भी नहीं होते हैं तो वो बैंक्स के लिए एनपीए बन जाती है ठीक है पैसे की रिकवरी ना हो वो होती है एनपीए बेसिकली हम यहाँ पढ़ते हैं वेन ए पर्सन डिले इज अ पेमेंट ऑफ द लोन या फिर अमाउंट विच वॉज ड्यू ऑन हिम थ्रू द डिले इन पेमेंट इन इधर इंटरेस्ट की बात हो इंस्टॉलमेंट की बात हो या प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो तो उस पर्टिकुलर लोन को या उस अमाउंट को पूरा लोन भी हो सकता है और वो कोई छोटी अमाउंट भी हो सकती है बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते हैं ठीक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट गुड इवनिंग राहुल फिर एक और टॉपिक आता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन ये क्या है भाई मान लो आपने दस लाख ,00 का लोन लिया था आप अभी हो यहां पे आप अभी गायब नहीं हुए हो ठीक है जस्ट वेट आपने दस लाख ,00 का लोन लिया और आपने इसमें से सपोज आपने थ्री लाख ,00 पे कर दिए हैं बैंक्स को थ्री लाख यू पेड रेस्ट अमाउंट है सेवन लाख आप बैंक को कह रहे हो टाइम पीरियड भी पूरा हो गया है आप बैंक को कह रहे हो कि भाई मेरे से सात लाख इतना पे हो नहीं रहे हैं मेरे से मेरे बस की नहीं रह गया मेरे से पे नहीं होंगे तो उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है भाई कोई बात नहीं नहीं हो रहा आप कम से कम हो ये यहाँ पर वही बड़ी बात है तो उसके इसमें बैंक उनके ऑप्शंस देती हैं कि आप अपना टाइम पीरियड बढ़वा लीजिए कि जो पैसा आपको एक साल में देना है अब आप उसे तीन साल में करवा लीजिए जिस अगर मान लो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ का था कि आपको चार परसेंट की रेट पर देना है और एक साल में पैसा देना है तो अब आप क्या करिए जो सात लाख रुपए बच गए हैं आप उसको तीन साल में दे दीजिए थ्री ईयर करवा लीजिए और चार के बजाय आप दो परसेंट का ब्याज दे दीजिए हमें ठीक है तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी इस तरीके से कर लीजिए बट हमारा लोन वापस कर दीजिए हमारे पैसे वापस कर दीजिए ठीक है तो ये क्या हो गया कि आपने अपने लोन को स्ट्रक्चर जो था आपके लोन का आपने उसको चेंज करा लिया है आपने उसे रेनोवेट करा लिया है नया एक लोन भी बनवा लिया है एक और ऑप्शन होता है बैंक ये बोलता है कि आप अपने लोन की जो आपकी अमाउंट थी मान लो सात लाख है सात लाख बच गई है ना अभी इसके मान लो चार लाख रुपए और इसमें से आप अपनी इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो यानी कि आप हमारे बैंक में हिस्सा डाल लो अपना इक्विटी क्या होती है कि पार्टनरशिप एक तरीके से इसको आप बोलते हो कि आप अपनी चार लाख के बैंक अमाउंट को हमारे इस लोन को इक्विटी में आप कन्वर्ट करवा लीजिए फिर आपको देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपका बैंक में हिस्सा ही हो जाएगा लोन टू इक्विटी में कन्वर्ट करा लीजिए इसको आप क्या बोलते हो रीस्ट्रक्चर लोन क्या आप अपने लोन का जो स्ट्रक्चर था हुलिया था आप उसे ही चेंज करा रहे हो फाइन दीज आर द लोन दैट एसेट विच गॉट एन एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड या तो आप एक्सटेंड कर दो पीरियड को या इंटरेस्ट रेट को कम कर दो या उसका कुछ हिस्सा आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लो प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंसिंग और सम कम्बिनेशन ऑफ दीज में सर या कुछ भी सॉल्यूशन दे दो बट आप लोन पे कर दीजिए इस तरीके की एक प्रपोजल जो है वो उसके पास कंज्यूमर के पास रखा जाता है नॉर्मली ये जो लोन होता है वो बैड लोन होता है तो अब अगर देखो सात लाख रुपये अगर पे नहीं करे गए तो वो बैड लोन ही तो है ना आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो दैट इज योर बैड लोन अब आप उसको मॉडिफाई करके एक नए लोन में कन्वर्ट करवा रहे हो आप इसको ये भी कह सकते हो अक्चर लोन ऑल्सो इंडिकेट बैड एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक फिर आती है में क्या है कि वे बैंक और लेंडर डज नॉट काउंट द मनी बोर ऑर टू इट अगर मान लो 2015 में किसी एक बैंक से आ, किसी भी व्यक्ति ने पांच लाख का लोन लिया था बट उसका आज तक तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं ठीक है तो गवर्नमेंट के, बैंक के लिए वो एसेट क्या हो गई राइट ऑफ हो गई है रिटर्न ऑफ हो गई है यानी कि उसको वो खत्म कर देते हैं बिल्कुल जीरो पे उसको ला देते हैं ठीक है क्या है बेसिकली एसेट द बैंक और लेंडर डज नॉट काउंट द मनी दैट बोरोट उसको काउंट ही नहीं करते हैं कि बोरोवर ने इसको ले लिया है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि राइट ऑफ करना किसे कहते हैं बिल्कुल उसको आप खत्म कर दो कि हमारे यहाँ पे इसका कुछ लेखा जोखा ही नहीं था फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है दैट शोज द रिटर्न ऑफ लोन आर कंपेन्सेड टू द सम अदर वे और इसका कोई दूसरा नहीं होता है कि देर इज नो मीनिंग दैट बोर इज पार्डन और गोट एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलो उसका ये नहीं है कि आप पेमेंट अगर कभी आती है तो आपने उसको नहीं लोगे ऐसा भी नहीं होता है एक आप ये कह सकते हो राइट ऑफ के अंदर कि उस पर आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करोगी बहुत ज्यादा उसे रिकवर कराने की कोशिश नहीं करोगे रिटर्न ऑफ में आप ये वर्ड बोल सकते हो स्ट्रेस्ड एसेट जब आप इन तीनों चीजों को इंक्लूड कर देते हैं एनपीए को भी रिस्ट्रक्चर लोन को भी और रेट ऑफ एसेट को भी इंक्लूड कर देते हो वो तीनों मिलकर आपकी क्या कहलाती हैं स्ट्रेस्ड एसेट कि भाई इन एसेट में स्ट्रेस है तनाव है है ना इनसे पैसा रिकवर हो ही नहीं रहा है इनमें तनाव है तो एनपी में भी तनाव है रिस्ट्रक्चर में भी है रिटर्न ऑफ एसेट है उनमें भी है तो इन तीनों को मिश्रण को आप क्या कहते हो ये स्ट्रेस एसेट बन गई है इज दैट क्लियर गाइस बताइए इसके बाद एक एक्ट आता है क्लियर है ये तो जल्दी बताइए इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि भाई एनपी जो होती है वो किस तरीके का असर डालती हैं कि अगर ज्यादा ज्यादा एसेट एनपी होने लगेंगे एनपी में अगर आपको बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखाई देगा तो बैंक्स के पास फंड होगा ही नहीं कि वो डेवलपमेंट के लिए लगा सके बैंक के पास पैसा होगा ही नहीं कि वो लोन दे सके अच्छे आ, उनको जो कि पेमेंट कर सकते हैं उनको लोन दे सके ठीक है प्रॉफिट मार्जिन बैंक का जो है वो दिक्कत में आ जाएगी प्रॉफिट मार्जिन या तो वो कम रखने लगेंगे बैंक विल फोर्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट फिर क्या करेंगे बैंक फिर अगर उन्हें लगता है जैसे क्या होता है कि अगर आपका नुकसान बहुत ज्यादा जा रहा है आपको ये हो रहा है कि भाई, आ, काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो फिर आप सिर्फ उसी को ही गुड्स दोगे जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है यानी कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे कि भाई अगर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को लेना है तो ही आपको मिलेगा अदरवाइज नहीं क्योंकि हम बहुत ज्यादा नुकसान खा चुके हैं ठीक है ड्यू टू द कर्ब इन फर्दर इन्वेस्टमेंट इट मे रिलेड टू राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो रही है इस वाले पॉइंट से यहां से तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी तो एक चीज है ना बढ़ेगी ये भी आप और आप बताइए और क्या क्या हो सकता है इम्पैक्ट क्या होता है अगर एनपी बढ़ती है तो उससे क्या क्या असर पड़ेगा वट डू यू फील अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पीज नॉन परफॉर्मिंग एसिड ओके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बताइए जी डी पी फोल आएगा ठीक है और इन्फ्लेशन का क्या होगा भाई मनी सप्लाई कैश फ्लो जो भी कही वो कम हो जाएगी जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसी को ही पैसा मिलेगा बाकियों को नहीं मिलेगा तो एक तरीके से मंदी का ख़त्म होगी डिफ्लेशन वाली कंडीशन आपके कंट्री में हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ठीक है ये इसमें डाउनफॉल नजर आएगा इनकम खत्म हो जाएगी राइट और बताइए क्या क्या हो सकता है जीडीपी गिरेगी आपकी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पहचान गिर जाएगी एनपी ज्यादा होने लगेंगे हाँ ये जब राइज होने लगेंगे तो बैंक्स पे से विश्वास भी उठ जाएगा जो डिपॉजिटर हैं जो अच्छे डिपॉजिटर हैं उन्हें भी खतरा हो जाएगा कि हमारा पैसा सेव है कि नहीं है उनको अपनी रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी है ना एक बार ऐसा केस हुआ भी था कि एक बार आई थिंक पी वाला ही था ये केस कि हाँ पी वाला केस है उसमें क्या था कि जब ये केस हुआ था आई थिंक नीरव मोदी वाला केस था जब ये हो रहा था कि वो इतने ज्यादा पैसे लेके चला गया है तो बैंक भाग जाएगा पता नहीं पीएनबी का था या कौन सा था एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर तो लोगों ने सबने अपने पैसे को विड्रॉल कराना स्टार्ट कर दिया था विड्रॉ करा रहे थे कि भाई अपने पैसे विड्रॉ करा लो कि कहीं आपका पैसा भी ना डूब जाए तो बैंक्स पे जो ट्रस्ट था वो खत्म हो रहा था लोगों का ट्रस्ट में फॉल आ रहा था गिरावट आ रही थी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा था बहुत ज्यादा चीजें थी और आप ये सारे फिर आप देख सकते हो और क्या क्या हो सकता है अभी ये सब इम्पैक्ट हमने पढ़ लिए मेजर क्या क्या है एन को कंट्रोल करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं जैसे डेट रिकवरी एक ट्राइब्यूनल बनाया गया 2013 में कि जो जो लोन है जिससे पेमेंट नहीं हो पा रही है आप उसके लिए एक ट्राइब्यूनल बनाइए और किसी भी तरीके से उस लोन को रिकवर कराइए 2013 में बना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बना 2000 2000 में ए बना जो कि चल रहा है एसेट ट्री कंपनी ये क्या है आ, ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो कॉरपोरेट होती हैं जो गवर्नमेंट बैंक से इनका जो है आपने दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया जो अभी हमने रिस्ट्रक्चर लोन वाली बात करी इंद्रधनुष आया बताइए सबके उसके बारे में स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्टरिंग रिस्ट्रक्चरिंग होने लग गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया 2016 थाउजेंड सिक्सटीन में तो आप इन सब के नाम नाम भी डालते हो तो भी आपके लिए इनफ होगा कि आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो एनपीएस को फिर आता है सरफेसी एक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे बेसिकली ये बैंक इसलिए था इसका पूरा नाम पढ़िए सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 यानी कि जो बैड लोस हो गए हैं जिन लोन से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है जो एन हो गई हैं उसको आपने रिकवर कराना है कैसे भी करिए बट आप उसको रिकवर कराइए हमारे पैसे वापस लेकर आइए ठीक है इट इज़ अ लेजिस्लेशन ये कानून है जो कि बैंकस को अलाउ करता है या दूसरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को कि जो बैड लोन्स हो चुके हैं आप उन्हें रिकवर कराइए इट यूज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एन पी थ्रू द डिफरेंट प्रोसिजर ये जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउड होता है अनसिक्योर्ड लोन बैंक शुड मूव टू द कोर्ट टू फाइल अ सिविल केस ऑफ डिफॉल्टिंग जिस लोन पे कोलेट्रल नहीं है अगर मान लो कोई लोन ले लिया लेकिन कोलेटरल तो देनी है भाई अगर ऐसा कुछ केस है तो आप कोर्ट में जाइए कोर्ट अगर कोलेटरल मिली हुई है सिक्योर्ड लोन है और उसके बावजूद भी लोन से रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपका सरफेसी एक्ट जो है वो अलाउड होगा उसके दरवाजे खुले हैं एग्जैक्टली फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द इंडिया आरसेल थी व सेटअप अंडर दिस एक्ट अब ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली होता क्या है मैं आपको इसको यहां से समझाती हूं मान लो होता क्या है जैसे बोरोअर है यानी कि जिसने लोन लेना है लोन लिया है जिसने अब उसने अपनी कोई भी सिक्योरिटी उसने अपने सपोज हमने मान मानते गोल्ड को रखा है गोल्ड को एज अ सिक्योरिटी रख दिया किसके पास बैंक्स के पास या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ठीक है रखा उन्होंने फिर बैंक क्या करता है जब बैड लोन्स की बात हो रही है तब की हम बात करते हैं बैंक क्या करेगा उस कैश उस सिक्योरिटी को ए के पास भेज देगा ऐसे ट्रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के पास भेज देगा और जो इससे कैश जो है इससे रिकवर कर लेगा ठीक है इससे वो कैश ले लेगा अब ये जो कैश लिया था वो इस किसके किसको दे देगा बोरो को दे देगा जिसको एक्चुअली में लोन चाहिए था इज दैट क्लियर इतना प्रोसेस क्लियर है ये वाली बात क्लियर है फिर एआरसी क्या करेगा उसको उनके पास जो एसेट आई है यहां से जो इनके पास एसेट आई थी अब एआरसी को क्या करेगा किसी दूसरे बायर को बेचेगा उस एसेट को है कि नहीं उस एसेट को किसी दूसरे बायर को देगा जिसको उसकी एक्चुअली नीड थी क्वालिफाइड बायर जिसे आप कहेंगे तो वो जो एसेट है वो इस क्वालिफाइड बायर को दे के उससे कैश रिकवर करेगा ये कैश किसके पास देगा फिर बैंक्स को देगा बैंक जो है वो बोरोवर्स को दे देंगे एक्चुअली में ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है जब आप लोन देने लेने जाते हो तब आपको इस तरीके से पैसा मिलता है ये सब बातें क्लियर हैं पीछे जो पूरा पीछे जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है वो एआरसी से कनेक्टेड होता है फिर सरफैसी एक्ट एम्पावर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सीज एंड इट अलाउ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सीज एंड सेल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर टू रिकवर लोन उन्होंने सरफैसी एक्ट ने ये पावर दी है बैंक्स को कि भाई अगर आपके लोन के अमाउंट रिकवर नहीं हो रहे है, बेच दीजिए उनकी प्रॉपर्टीज को गोल्ड है गोल्ड को बेच दो तो. प्रॉपर्टी है कोई कहीं पर तो आप उसे बेचिए लेकिन पहले आप अपने लोन को कवर करिए ठीक है रिकवर करिए अपने लोन को फिर आता है इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सभी तरीके के जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें ये अवेलेबल है उनको ये अलाउड है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दी थी कि बैंक केन नाउ सीज एंड सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर टू रिकवर देयर ड्यूज तो ये सुप्रीम कोर्ट से आ, मिली है उनको परमिशन तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है बैंक यूटिलाइज दिस एक्ट टू रिकवर लोन फ्रॉम द एनपीए दिस एक्ट ये चीज याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन पे जो कि एक लाख से कम के होते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा सरफेसी एक्ट उसमें वेट करा जाता है कि भाई हाँ आप पे ही कर दो एक लाख से कम पे सरफेसी आप उनकी एसेट को बेच नहीं सकते हो ठीक है इन द केसेस वेयर द डेट इज बिलो दे परसेंट ऑफ द लोन गिवन उस टाइम पे ये चीज अवेलेबल सरफेसी एक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है बैंक कब तक वेट करेंगे साठ दिनों तक वेट करेंगे डिमांडिंग रिपेमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट साठ दिन तक वेट करेंगे अगर कोई रिपेमेंट नहीं आती है तो वो उसकी एसेट को बेच देंगे सरफेसी एक्ट में बैंक जाते हैं एआरसी के पास एआरसी जाएगी जिसने भी वो एसेट को खरीदना है बोरौर के पास जाएगी इसलिए अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि बरौर है जो ये व्यक्ति जो बैठा है वो पहले बैंक के पास गया इसने कैश लेना है इससे प्रॉपर्टी रख दी ठीक है अभी अगर मान लो बैंक के पास वो प्रॉपर्टी आई है दस लाख की राइट इज इट विजिबल सरफेसी एक्ट का एक और काम क्या होता है मैं आपको यहां पर अलग से बताती हूं कि मान लो बैंक्स के पास टोटल जो एनपी इकट्ठी हो गई है इस बॉक्स के अंदर वो हो गई है मानो दस लाख की टेन लाख में इसको लिखती हूं फिर वो बैंक किसके पास जाएगा ए के पास जाएगा उनको बोलेगा कि भाई हमारे पास दस लाख की एन हो गई हैं इतनी ज़्यादा एसेट हैं इतने ज़्यादा बैड लोन्स हो गए हैं है, है, जिन पे लोन हमारे रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो ए के पास जाएंगे ए आर बोलेगा कि दस लाख में से आप मेरे को सपोज छः लाख की सारी एसेट मेरे को दे दो बैंक के लिए क्या है वो डूबी हुई एसेट है बिल्कुल खत्म है दस लाख भी नहीं आने हैं उनके तो फिर एआरसी बोलेगा कि ये सारी एसेट मेरे को आप लाख में दे दो बाकी जो अमाउंट रिकवर करानी होगी वो मैं करा लूंगा बेसिकली एआरसी का काम ये होता है फिर मान लो अगर बैंक ने छे दस लाख की चीज छह लाख में दे दिया बैंक के पैसे कवर है कि नहीं कवर हो गए बैंक के तो पैसे अब उस छह लाख की जो एसेट थी एआरसी जाएगा दूसरे ब्रोवर्स के पास मार्केट के पास उन्हें पूछेगा कि ये भाई फलाना प्लॉट है किसी को अगर लेना है तो इतनी अमाउंट का है लेना है तो ले लो ठीक है उसको दोबारा से किसी और को सेल कर दिया जाएगा वहां से बैंक आईआरसी जो है वो अपने छह लाख रुपए वहां से उसको कवर अप करेगा ठीक है सरफेसी एक्ट में ये चीज इंक्लूड होती है दो में भी इसमें चेंज आया 2016 में भी चेंज आया तो इसमें चेंज ऑलमोस्ट आते रहते हैं सो आई होप सरफेस सरफेसी एक्ट आपको समझ आ गया होगा इज दैट क्लियर सरफेसी एक्ट के बारे में सभी चीज क्लियर है गाइज बताइए एवरी वन आज क्लास छोटी थी क्योंकि टॉपिक हमने सिर्फ दो ही तीन करने थे एनपीई का करना था आपका लोन्स का करना था रीस्ट्रक्चर वाला और सिर्फ ऐसे ही करना था सिर्फ तीन ही चीज करनी थी तो क्लास अपनी छोटी थी आज ये बताइए इन तीनों के बारे में सब चीज कवर हो गई कि नहीं हो गई दैट क्लियर गईस नेक्स्ट कल जो चैप्टर रहेगा वो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को जो भी रहेगा एक्चुअली आई एन चेक दैट सो जो छोटे टॉपिक्स रह गए हैं हाँ वो ऑक्शनिंग करवाते हैं ऑक्शनिंग वही वही जो मैंने बोला ना कि ऑक्शन करवाएंगे कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शनिंग हो रही है वो सब दिखाते हैं फिर ऑक्शन होता है हाँ जी चलिए ठीक है तो ये तीनों टॉपिक अपने हो गए हैं इनसे रिलेटेड बात भी हो गई और मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से रेडी हो रहा है सरफेसी uh, एक्ट क्या है और बैंकिंग सेक्टर में कितने रिफॉर्म्स आए हैं और किस तरीके से आपने uh, रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों थी ये सब चीज़ें मेन्स में पूछे जाते हैं दैट्स वाई वी कवर्ड इट इन ए सेपरेट क्लास तो आप इन्हें कर लीजिएगा ओके डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द क्लास लाइक करिए शेयर करिए ये ज़रूरी है अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए स्टडी आइस और आ, को आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं लाइक आप फेसबुक पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह करिए एन अकेडमी एंड जिंदल इज माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो ओके कल सुबह की क्लास में मिलते हैं जो हिंदू की एम क्लास है सुबह नौ बजे होने वाली है राहुल सुबह आप बातें नहीं हैं सो कोशिश करिए कि सुबह नौ बजे क्लास में आ जाए थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड हैव ए नाइस डे अहेड। और कल सुबह की जो क्लास होगी